जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और चाय के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए आज हम नमक पारा बनाते हैं मेरे स्टाइल में, तो आइए हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। नमक पारा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच काली मिर्च, तेल और नमक स्वाद अनुसार। आते हैं, पहले मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी। ये जो काली मिर्च है, ये घर पे कुटी हुई काली मिर्च है फ्रेश, ये डालूंगी। बेसन और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। याद रहे कि चाट मसाले में भी नमक है, तो ज़्यादा ना डालें, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। इसको मिलाएंगे। अब मैं इसमें तेल डालूंगी। ये मैंने 5 चम्मच तेल डाला है इसमें। अब मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी। इसको हम अच्छे से मयून देंगे, हाथ पे लेके दूसरे हथेली से इसको ऐसे मलना है अच्छे से। इसको अच्छे से हम मिलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। आटे को ऐसे हम चेक करेंगे, देखिए आटा जो है आपस में बाइंड हो जा रहा है। अब हम इसमें पानी डाल के एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा गूंथेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए आटा हमारा गूंथ चुका है, इतना ही टाइट आटे को हमको गूंथना है, ज़्यादा ढीला नहीं करना है और ना ही ज़्यादा टाइट। इसको मैं 15 से 20 मिनट ढक के छोड़ दूंगी ऐसे ही। देखिए 20 मिनट हो गए हैं। अब हम आटे को रोल करके कट करके और फिर जो नमक पा रहे हैं अपने फ्राई करेंगे। उससे पहले हम कढ़ाई में तेल चढ़ा देते हैं गरम होने के लिए। कढ़ाई गरम हो जाएगी तब मैं इसमें तेल डालूंगी। कढ़ाई गरम हो गई है, अब ये तेल मैं इसमें डालूंगी। अब इसको गरम होने देते हैं, तब तक हम जो है नमक पारे तैयार कर लेते हैं। लोई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, छोटी या बड़ी। देखिए लोई तैयार है, अब मैं इसको बेलूंगी। ज्यादा पतला नहीं बेलना है। मैंने बेल लिया है लोई को, इसको इतना ही मोटा रखना है, ज्यादा पतला नहीं करना है। अब मैं इसको काटूंगी। ऐसे लंबा लंबा काट लेना है हमको। देखिए मैंने इसको लंबा लंबा काट लिया है। आप कोई सा भी चौड़ा भी इसको रख सकते हैं या ऐसे लंबा काट सकते हैं, कोई सा भी शेप इसको दे सकते हैं। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है। चेक कैसे करेंगे हम, ये छोटा सा आटे का हम इसके अंदर डालेंगे और जब ये ऊपर आ जाए इसका मतलब तेल जो है अच्छे से गर्म हो गया है। देखिए तो हम बाकी के जो नमक पारे हैं इसमें फ्राई करेंगे। इसको हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, नहीं तो जो नमक पारे हैं अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल जाएंगे। तो फ्लेम को एकदम लो रख के इसको फ्राई करना है। जब तक वो नमक पारे फ्राई हो रहे हैं हम दूसरा बैच भी रेडी कर लेते हैं। बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। देखिए नमक पारे जो है फ्राई हो गए हैं, हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। चुके हैं, अब दूसरा जो बैच मैंने रेडी करके रखा है उसको भी फ्राई कर लूंगी। नमक पारा बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।